एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 के ऊपर वीडियो बनाइए, तो आज मैं वही वीडियो लेके आया आप लोगों के ऊपर। तो उससे पहले जो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं माइनिंग सरदार का, स्क्रीन पे आ रहा होगा पूरा डिटेल। अगर माइनिंग सरदार का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, चाहे आप DGMS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप माइनिंग सरदार WCL की तैयारी कर रहे हो, तो जो स्क्रीन पे डिटेल आ रहा है इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा भूल के भी। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या कवर होंगे। आपके पूरा का पूरा टेक्निकल पोर्शन कवर हो जाएगा, जिसमें माइंस एक्ट, माइंस रूल और चैप्टर वाइज CMR इसमें इंक्लूडेड है। अलग से CMR नहीं है, चैप्टर में ही इंक्लूडेड। इसे शॉर्ट फायरिंग है तो शॉर्ट फायरिंग का जो MCQ है उसी में इंक्लूडेड है। तो अगर लेना चाहते हैं तो डिटेल स्क्रीन पे आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 में बनाया गया था, क्योंकि 1960s के टाइम में और 50s के टाइम में बहुत सारा दुर्घटना हो चुका था कोल माइंस में इंडियन हिस्ट्री में। तो उन सबको देखते हुए ये डिसाइड किया गया था कि इसको लेके अलग से एक ट्रेनिंग का रूल बनाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति अगर डिप्लोमा किया है मान के चलिए और वो लगातार जॉब कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो शॉर्ट फायरर का काम कर रहा है, तो साल, डेढ़ साल, दो साल अगर वो शॉर्ट फायरर का काम करता है तो धीरे धीरे उसके दिमाग से बाकी डाटा इरेज होते जाते हैं। जो चीज़ का रिवाइज हो रहा है वही काम सही से कर पाता है, बाकी डाटा इरेज होते जाता है। तो इसको लेके माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल बनाया गया था। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति नया नया ज्वाइन कर रहा है कोई कंपनी, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। उस ट्रेनिंग को बोला जाता है इनिशियल ट्रेनिंग, ठीक है। इनिशियल ट्रेनिंग माने पहला बार जो ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको इनिशियल ट्रेनिंग बोलेंगे। दूसरा होता है अगर कोई व्यक्ति नियोजित है, काम कर रहा है लगातार, या एब्सेंट था उसके बाद काम करना पड़ रहा है, ठीक है, बीमार पड़ गया था, एक्सीडेंट हो गया था उसके बाद काम करना पड़ रहा है, या लगातार वो काम कर रहा है ना, तो उसको बीच बीच में रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाता है। इन सबको रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग। तो इसी सब के बारे में है इसमें, कि एक एम्प्लॉयज़ को कितने साल के अंदर में क्या क्या ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है, टिम्बरमैन को, एक्सप्लोसिव कैरियर को कितना महीना ट्रेनिंग करना है, शॉर्ट फायरर को कितना महीना का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गैस टेस्टिंग होल्डर वाला को कितना होना चाहिए, HMM ऑपरेटर को कितना होना चाहिए, कुल मिला करके ये पूरा पूरी इसी के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कितने समय से ज़्यादा एब्सेंट रहे तो फिर से ज्वाइनिंग करने के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग करना पड़ता है, 1 साल, 3 साल, 5 साल या 6 महीना। वीडियो को पाउज करके आप कमेंट सेक्शन में जाके आंसर टाइप कर सकते हैं। लगातार क्वेश्चन को आप ऐसे करके चेक करते रहिएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो इसमें मतलब बोला गया है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी भी कारण से एब्सेंट है लगातार 1 साल तक, ठीक है, है ना, मतलब लगातार इसका जो आंसर है बेसिकली वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर 1 साल तक लगातार एब्सेंट हो, चाहे उसका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे उसका तबीयत ठीक नहीं है, या कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई भी कारण से अगर 1 साल तक लगातार ड्यूटी एब्सेंट रहता है, उसके बाद जब भी वो आएगा उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग करना पड़ेगा, नौकरी के टाइम उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति 1 साल से ज़्यादा समय के लिए एब्सेंट रहे उसे ज्वाइनिंग के डैश समय के अंदर रिफ्रेशर ट्रेनिंग करना होता है, 3 महीना, 1 महीना, 6 महीना या 1 साल। मतलब कुल मिलाकर के बोला है कि जो 1 साल वाला जो अभी हम क्वेश्चन डिराइव किए थे, 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए कोई एब्सेंट है तो ज्वाइनिंग के कितना महीना के अंदर में उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। ऑप्शन है 3 महीना, 1 महीना, 6 महीना, साल भर। आप पाउज करके बताइए क्या होगा आंसर, मैं देखूंगा लास्ट में कमेंट सेक्शन जिनका भी रिस्पॉन्ड आएगा, मैं कमेंट चेक करता हूँ अक्सर। तो जो इसका आंसर है वो बेसिकली हो जाता है 1 महीना। जी हाँ, जब कभी भी कोई व्यक्ति 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए एब्सेंट होता है तो ज्वाइनिंग करने के 1 महीने के अंदर में उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग करना मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, माइंस में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने के लिए इनमें से क्या जरूरी है, IME, PME, इनिशियल ट्रेनिंग, बोथ या फिर नन। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है वैकेंसीज में, माइनिंग सरदार की के एग्जामिनेशन में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए अभी पॉज करके। तो एक्चुअली ऐसा है कि माइंस में अगर किसी व्यक्ति को नियोजित करना है, ठीक है, तो दो चीज़ तो ज़रूरी है,
पहला है IME यानी इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, और दूसरा है इनिशियल ट्रेनिंग। ठीक है, तो जहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, इनिशियल ट्रेनिंग की बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति जो अलग अलग पोस्ट है उसके लिए अलग अलग है, है ना। तो बेसिकली हिसाब मोटा मोटी ये है कि रिफ्रेशर ट्रेनिंग जितना दिन का दिया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर रिफ्रेशर ट्रेनिंग 9 दिन का दिया जाता है तो लगभग 18 दिन आपको नया वाला ट्रेनिंग दिया जाएगा, मतलब इनिशियल ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब रिफ्रेशर का दुगना ट्रेनिंग होता है। ठीक है, के बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, IME का मतलब होता है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो IME जो होता है उसका भी एक टाइम लिमिट है, ऐसा नहीं है कि जब नौकरी ज्वाइन करेगा तभी हो, ऐसा कोई कानून नहीं है। कानून ये है कि नौकरी ज्वाइन करने के टाइम अगर किसी कारण से नहीं हो पाया मेडिकल, ठीक है, आपातकालीन जो वैकेंसीज होती है उसमें जल्दी मेडिकल नहीं हो पाता है टाइम पे, तो वैसे जो कारण है उस कारण आपको 5 साल तक रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। मतलब 5 साल के अंदर में, नौकरी ज्वाइन किए नया नया फ्रेश फ्रेश, 5 साल के अंदर में आपको IME करवाना है, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है, 5 साल ऑप्शन देता है, लड़का हंस के छोड़ देता है, बोलता है अरे PME होता है 5 साल में। नहीं भाई साहब, IME का भी नियम यह है कि नौकरी का टाइम होता है बट मैक्सिमम आप 5 साल के अंदर में आपको करा लेना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अगर PME का बात करें तो PME हर 5 साल में होता है। ठीक है, और बहुत सारा सिचुएशन है जब 3 साल और 1 महीना 1 साल में भी होता है, 12 मंथ में भी होता है। ठीक है, तो माइंस रूल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, मेरा प्लेलिस्ट में जाके आप सारा वीडियो चेक कीजिए पहले, या वीडियो के लास्ट में आ जाएगा WCL माइनिंग सरदार का जितना वीडियो है आप जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बहुत सारा वीडियो उसमें पड़ा हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, दोनों IME हो, PME हो या इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन हो, दोनों मैंडेटरी है कोई भी माइंस में जब आदमी नियोजित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और बात यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को 6 महीने से कम टाइम के लिए नियोजित करना है उस कंडीशन में IME PME मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इनिशियल ट्रेनिंग इज मैंडेटरी। ठीक है, बट जनरल कंडीशन में सबके लिए ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी एम्प्लॉय को डैश समय के अंदर रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना होता है, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, 3 महीने में एक बार, 5 साल में एक बार, फटाक से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं देखूंगा आंसर 4 का क्या होगा, A, B या C या D। तो बेसिकली यहाँ पे बोला है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर जॉब कर रहा है कहीं पे तो उसको लगातार जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना होता है उसका टाइम इंटरवल क्या होता है, 6 महीना में, साल भर में, 3 महीना में या 5 साल में। तो उसका जो आंसर है वो है साल में एक बार, साल में एक बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाता है। कितना दिन का दिया जाता है अगर बात कीजिएगा तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग है, अगर बोलिएगा तो उस पर भी मैं कभी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा तो मैं बना दूंगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साल में एक बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना होता है सभी एम्प्लॉयज़ को, हर एम्प्लॉयज़ को। अगला क्वेश्चन है, टिम्बरमैन यानी खूंटा मिस्त्री का पोस्ट किसी व्यक्ति को तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसने 1.5 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी माइंस में न किया हो, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 12 महीना। पॉज करके फटाक से कमेंट कीजिए, 5 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये पूछा है कि टिम्बरमैन का एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का बात किया गया यहाँ पे। यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और VT ट्रेनिंग दोनों अलग अलग चीज़ है, समझिए मेरे बात को। एक होता है VTC जिसको बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, और एक होता है GVTC। ठीक है, GVTC इसको बोलते हैं ग्रुप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। दोनों में क्या डिफरेंस है समझते हैं। सबसे पहले VTC, अगर मान लीजिए CCL नाम की एक कंपनी है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, वो चाह रहा है कि हम एक ठो VTC बनाएं जिसमें खाली मेरा आदमी, मतलब खाली मेरा माइंस का आदमी ट्रेनिंग करे, तो उसको बोलेंगे VTC, मेरा कंपनी का आदमी ट्रेनिंग करे तो VTC। अगर मान लीजिए कि कंपनी के पास पैसा का कमी है, ठीक है, और वो चाहता है कि बगल में जो कंपनी है वो टाटा है, ठीक है, तो टाटा के साथ बात करता है, अगर कुछ पैसा टाटा दो, कुछ पैसा हम दे, और टाटा और CCL दोनों मिलके एक ठो VTC बनाता है जिसमें टाटा का भी आदमी ट्रेनिंग करे और CCL का भी आदमी ट्रेनिंग करे, देन दैट इज़ नॉन एज ग्रुप VTC। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल है कि टिम्बरमैन को एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कम से कम कितना महीना का होगा तभी वो काम करेगा। इसका आंसर हो जाएगा 6 महीना। कोई भी टिम्बरमैन, अगर टिम्बरमैन का हम पोस्ट दे रहे हैं, खूंटा वाला काम दे रहे हैं, तो मैनेजर साहब क्या करेगा,
कोई भी आदमी अगर चाहेगा कि हमको टिम्बर मैन बनना है तो तुरंत नहीं बनाएगा उसको, उसको जो टिम्बर मैन है एक्सपीरियंस आदमी लोग है उसका सानिध्य में भेज देगा, बोल देगा उसके साथ थोड़ा रहो, इसको सिखा दो, इसको रखो, 6 महीना उसको साथ में रखेगा वो जो टिम्बर मैन है सीनियर लोग सब रखेगा, उसको सिखाएगा, 6 महीना बाद मैनेजर सवाल जवाब करेगा, अगर मैनेजर को सेटिस्फाइड लगता है तो फिर मैनेजर साहब एक लेटर बनाएंगे और उसका फाइनल टिम्बर मैन का पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 6 महीना का उसको ट्रेनिंग देना होता है, ठीक है, तो ये सब को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लोसिव कैरियर का पोस्ट किसी व्यक्ति को तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसने 1.5 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी माइंस में ना किया हो, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू होता है ना, कि अगर कोई आदमी है उसको अगर एक्सप्लोसिव कैरियर का पोस्ट देना है, शॉट फायरर ब्लास्टर और माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट वाले को छोड़कर, जी हाँ, शॉट फायरर वाला, माइनिंग सरदार वाला, इन पोस्ट को छोड़कर ओवरमैन अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट रखता है तब तो कोनो जरूरत नहीं है उसका कोई ट्रेनिंग का, उसका सर्टिफिकेट रखेगा मैनेजर और उसको बोलेगा कि जा बाबू कल से तुम है एक्सप्लोसिव कैरियर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा पोस्ट नहीं है, नॉर्मल आदमी है, जनरल मजदूर साहब है कोई ऐसा है, तो उसको पहले 6 महीना ट्रेनिंग में रखा जाएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, मतलब जो एक्सप्लोसिव वाला काम करेगा शॉट फायरर वगैरह उसको बोला जाएगा कि उसके साथ जाओ सीखो 6 महीना काम, 6 महीना जब काम सीख जाएगा सवाल जवाब होगा फिर उसका एक्सप्लोसिव कैरियर का काम में लगा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग कमेंट किए हुए थे, एक दो कमेंट आया था मेरे पास जिसमें पूछ रहे थे कि मैं गार्ड हूँ और गार्ड से मैं माइनिंग डिसिप्लिन में कैसे एंट्री करूँ, तो आप अपने मैनेजर साहब से बात कीजिए और ऐसे ही कोई छोटा पोस्ट ले लीजिए, क्या छोटा पोस्ट ले लीजिए, पहले टिम्बर मैन के साथ 6 महीना रहिए, है ना, 6 महीने के बाद काम सीख लीजिए, फिर शॉट फायरिंग वाला 6 महीना रहिए, ऐसे करके जो माइनिंग सरदार का पैटर्न है उसको पूरा कर लीजिए, पूरा कर लेंगे 3 साल का, तो 3 साल का एक्सपीरियंस लिख के आप भरिएगा डीजीएमएस में फॉर्म, आप एग्जाम दे सकते हैं माइनिंग सरदार का और आप माइनिंग सरदार बन सकते हैं, ठीक है, अगर 10th पास है आप तब कर सकते हैं ऐसा, है ना, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। अगला सवाल है, कोई शॉट फायरर अगर 1.5 महीने से ज़्यादा अब्सेंट अनएम्प्लॉयड किसी दूसरे काम में लगा हो तो 1.5 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, 12 महीना से ज़्यादा अब्सेंट हो तो 1 महीना का ट्रेनिंग दिया जाएगा, 3 महीना से ज़्यादा अब्सेंट हो तो 1 महीना का ट्रेनिंग दिया जाएगा, 6 महीना से ज़्यादा अब्सेंट हो तो 6 महीना का ट्रेनिंग दिया जाएगा, 12 महीने से ज़्यादा अब्सेंट हो तो 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत मज़ेदार चीज़ है और थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी है, बात ऐसा है कि कोई भी शॉट फायरर अगर लगातार 6 महीना तक के लिए अब्सेंट रहता है ना, तो उस कंडीशन में उसको 6 महीना का ट्रेनिंग दिया जाएगा, इस चीज़ को समझिए अच्छे से। एक शॉट फायरर है बेचारा, सर्टिफिकेट लिया है एग्जाम दे करके, और सर्टिफिकेट लेने के बाद कहीं काम करने के लिए गया, तो शुरू में तो उसको ट्रेनिंग में रखेगा 6 महीना, ये तो आपको पता है, लेकिन लगातार काम कर रहा था, उसका कुछ ऐसा तकलीफ हो गया, घर में कोई समस्या ऐसा हो गया कि वो लगातार 6 महीना काम नहीं कर पाया, या दूसरा कोई काम किया, शॉर्ट फायरर को छोड़ के कोई दूसरा काम कर लिया, उस कंडीशन में 6 महीना से जैसे ज़्यादा होगा और फिर से जाएगा शॉर्ट फायरर का नौकरी करने के लिए, तो उसको माइंस वाला बोलेगा अरे अरे ऐसे कैसे, अभी पहले 6 महीना ट्रेनिंग करो तुम, है ना, ट्रेनिंग करेगा तो ऐसे मिलता सैलरी 18,000, ट्रेनिंग करेगा तो देगा 10,000 से 12,000, है ना, काम वही कराएगा लेकिन बस ट्रेनिंग का नाम पे 6 महीना उसको कम सैलरी दिया जाएगा, या ये भी हो सकता है कि फिर से उसको नौकरी खोजने में बड़ा समस्या हो जाए, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कंपनी के पास इतना सारा रिज्यूम अवेलेबल है जिसमें लगातार काम करने वाला का संख्या है, तो फिर वो लगातार गैप वाला आदमी को क्यों लेगा जिसका गैप है, ठीक है। तो शॉर्ट फायरर अगर कोई हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, गैप नहीं आने दीजिएगा, ठीक है, गैप अपना सर्विस में मत आने दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीना अगर अब्सेंट रहेगा तो 6 महीना का उसको लगातार ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होल्डर को कितने समय अंतराल पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग करना होता है, 1 महीना, 6 महीना, साल भर या 3 साल। तो गैस टेस्टिंग होल्डर कौन होते हैं भाई साहब, गैस टेस्टिंग होल्डर होते हैं पंप ऑपरेटर, गैस टेस्टिंग होल्डर होते हैं माइनिंग सरदार, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, ये सभी गैस टेस्टिंग होल्डर होते हैं। तो इनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो दिया जाता है वो हर साल दिया जाता है, साल में एक बार उसको जाना होता है और ट्रेनिंग करना होता है, मैक्सिमम ये साल भर में उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। देखिए ऐसा एक बहुत सारे कंपनी है जो 6 महीना में भी देता है, तो 6 महीना ऐसा नियम नहीं दे सकते आपको, और अच्छी बात है आप हर महीना दीजिए तो और अच्छी बात है, लेकिन
नियम यह है कि साल भर में कम से कम एक बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, जिसका हाजिरी आपको नहीं काटा जाएगा। जो बेसिक अलाउंसेस है, जिसमें हमको महंगाई भत्ता, जो बेसिक उसका एक दिन का हाजिरी बनता है, ठीक है, इसके साथ पेट्रोल का भी पैसा मिलता है, ठीक, डीए वगैरह मिलता है ना, ये सब जो बेसिक चीज़ें वो मिलेगा, ओटी वगैरह नहीं मिलेगा, अंडरग्राउंड अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ कटता है, बहुत सारा चीज़ मिलता है, तो ट्रेनिंग रिफ्रेशर ट्रेनिंग में पैसा कटता नहीं है वो सब, ठीक है। ओटी वोट वगैरह तो ऐसे भी नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साल भर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब भी कोई व्यक्ति किसी माइंस में स्टेचुअरी पोस्ट पर काम करेगा, तब तक अपना स्टेचुअरी सर्टिफिकेट इनमें से किसके पास जमा रखेगा? डीजीएमएस के पास, जीएमएचआरडी ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनी, मैनेजर या फिर नन? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप देंगे। नाइन क्वेश्चन का आंसर, नाइन नंबर क्वेश्चन का आंसर इनमें से क्या होगा, ए बी सी या डी, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मैं कमेंट सेक्शन चेक करने वाला हूं और देखने वाला हूं कि कौन इसका आंसर दे रहे हैं, तो इस ये मैं आप पे छोड़ता हूं, बाकी कमेंट पे मैं आंसर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, जनरल मजदूर को किसी भीटीसी में, किसी माइंस में पहली बार नियोजित किया जा रहा हो, तो कितने महीने का ट्रेनिंग भीटीसी या जीबीटीसी में दिया जाएगा? मतलब बोला है कि एक तो जनरल मजदूर है, जनरल मजदूर का बहाली हुआ है नया नया, तो जनरल मजदूर को माइंस में भेजने से पहले बीटीसी में भेजा जाएगा, ठीक है। बीटीसी में जो होते हैं इंस्ट्रक्टर, वो उनको सिखाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, और जनरल मजदूर वगैरह जितने भी दसवां प्लस पास वाले लोग होते हैं, उसका जो ट्रेनिंग होता है बीटीसी में, वो जनरल भाषा में होता है, ठीक है। बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ड्रेनेज सिस्टम, है ना, जनरल सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें, मतलब आसपास में दुर्घटना हुआ था, ये सब बताया जाता है कहानी बना बना के, ताकि सभी जनरल मजदूर समझ सकें। तो उसको कम से कम अगर नया नया ज्वाइनिंग कर रहा है तो 18 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है, और रिफ्रेशर ट्रेनिंग 9 दिन का दिया जाता है, ठीक है। बाद में जब भी होगा वो 9 दिन का होगा, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 दिन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ इन स्पेशल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। बेसिकली ऐसा है कि 1966 में जब ये नियम बनाया गया था, माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966, उस टाइम जो ट्रेनिंग अलाउंसेस था ना, ट्रेनिंग का भी अलाउंसेस दिया जाता था, माने जो आदमी जा रहा है ट्रेनिंग करने उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। पैसा कितना मिलेगा, 50 पैसा, जस्ट अ सेकंड, सॉरी 1.5 रुपया है, ठीक है। ट्रेनिंग अलाउंसेस, जस्ट अ सेकंड, ट्रेनिंग के केस में, ट्रेनिंग का अगर बात करें, ट्रेनिंग का केस में उनको जो अलाउंसेस दिया जाता था, ठीक है, जो पैसा था वो 1.5 रुपया पर डे के हिसाब से दिया जाता था, माने अगर एक दिन ट्रेनिंग कर रहा है तो 1.5 रुपया मिलेगा। और अभी फैक्ट वाली बात यह है कि इसको अभी तक चेंज नहीं किया गया है, हालांकि माइंस में 1.5 रुपया नहीं मिलता है, लेकिन अभी तक कानून में है 1.5 रुपया पर डे के हिसाब से मिलेगा। मतलब अगर कोई आदमी 3 दिन ट्रेनिंग करता है तो 4.5 रुपया उसको मिलेगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति 18 दिन ट्रेनिंग कर रहा है तो कितना पैसा कमाए, है ना, तो इसको आज तक चेंज नहीं किया गया। इसके बाद ट्रेनिंग अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे। ट्रेनिंग अलाउंसेस क्या होता है, जो आदमी ट्रेनिंग करवा रहा है, जो ट्रेनर है, ठीक है, जो मास्टर साहब है जो पढ़ा रहे बीटीसी में, उनको जो पैसा दिया जाएगा ना, वो इंसेंटिव दिया जाता है, जो बेसिक पे वगैरह है वो तो मिलेगा ही, इंसेंटिव दिया जाता है। और इंसेंटिव क्या है, 50 पैसा पर पर्सन। 50 पैसा आजकल चलता भी नहीं है, आज भी नियम में ये लिखा हुआ है, आज भी यही वाला नियम माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 में दिया गया है कि पर पर्सन के हिसाब से उसको 50 पैसा इंसेंटिव दिया जाता है, और एक बार में 2 आदमी से कम आदमी को नहीं पढ़ाएगा, है ना, कम से कम 2 आदमी होना चाहिए तभी वो पढ़ाएगा। तो ये सब उस जनरेशन की बात है, उस टाइम 50 पैसा बराबर 150 रुपया के आसपास होता था, है ना, और 1.5 रुपया बराबर 450 रुपया के आसपास, 300 रुपया के आसपास होता था, तो अच्छा खासा पैसा था मजदूर का। उस टाइम कोल इंडिया वाला हालत भी ख़राब था, है ना, कोल इंडिया एक्चुअली था ही नहीं, जो कोल का मजदूर था उसका बहुत ख़राब वाला स्थिति था, ठीक है। तो इसी के लिए कानून बनाया गया जो आज तक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो तमाम परे पड़े भरे पड़े हैं, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो स्क्रीन में सारा डिटेल आ रहा होगा, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, मैसेज ही कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा इंस्ट्रक्शन वगैरह। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।